हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है SMD के एक नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो पूरा देखना। मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझना और कोशिश करना मेरे को सपोर्ट करने की। तो यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं अभी भी, मेरा वन टैप नहीं लग रहा भाई, मेरा रोटेशन ड्रैग नहीं लग रहा और वगैरह वगैरह बहुत कुछ कॉमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये बता दूँ, मैं इस चैनल में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डाला, वन टैप कैसे मारे, पांच ग्लू वॉल कैसे लगाए, स्कोप इन ड्रैग, सीटअप हेडशॉट, आफ्टर एफडी सीटअप हेडशॉट, और हैंड कैम के साथ भी दिखाया ग्लू वॉल कैसे लगाए, फास्ट ग्लू वॉल कैसे लगाए, वन टैप कैसे मारे, सारा कुछ मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को छोड़कर, हाउ टू पुश रैंक। और मैं इस पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपकी गेम प्ले सुधारना, आप कैसे वन टैप मारो, हेडशॉट्स कैसे लगाओ, ड्रैग कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बनाना। और अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गैप चल रहा है, मैं वीडियो बहुत ही कम अपलोड कर रहा हूँ, क्यों, टॉपिक की कमी। आप लोगों को ड्रैग करने के लिए, वन टैप मारने के लिए जो भी था ना, मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी आपका वन टैप नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा इस वीडियो में बताऊँगा। आपका वन टैप क्यों नहीं लग रहा पता है, आप ही कोशिश नहीं करते, आप खाली मेरी वीडियो आकर देखते हो, टेक्निक्स देखते हो और जाकर अप्लाई करते हो, लेकिन ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए आपका ड्रैग्स जो है वो नहीं लगता, वन टैप जो है वो नहीं लगता। मैं ये बात पूरा एकदम क्लियर कर दूँ, मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स सिखा सकता हूँ कैसे मारे और क्या कैसे कौन से वक्त पर आपको कौन सा टेक्निक मारना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे मार रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं बता सकता आपके घर पे आके, मैं ये नहीं बोल सकता आप ऐसे मारो तो ऐसे होगा, ऐसे मारो तो ऐसे होगा, मैं ये नहीं बता सकता। आपका गेम प्ले करना होगा, आपका गेम प्ले सुधारना होगा, वो आपके खुद के ऊपर है। मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों डालता हूँ, ताकि मैं आप लोगों का टेक्निक्स जो है वो हेडशॉट लगाने की जो टेक्निक्स होते हैं वो आपको सुधार में ला सकूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और बहुत ज़्यादा गैप चल रहा है क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स नहीं है, और टॉपिक्स क्यों नहीं है, मैं इस चैनल में सिर्फ हेडशॉट्स के बारे में बताता हूँ, और हेडशॉट्स के बारे में जो भी टेक्निक्स था मैंने सब कुछ बता दिया, और अभी कुछ नया टेक्निक्स अभी तक नहीं आया है, नया टेक्निक जब आ जाएगा मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। अभी मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप्स चल रहा है मैं जानता हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर ही नहीं सकता कुछ भी, क्यों, मैं मेरे पास कुछ मतलब बातें नहीं है जो आप लोगों को शेयर कर सकूं। जो भी सारे टेक्निक्स हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी बना दिया मेरे चैनल में, आप अगर चेकआउट करो तो, जब मेरा जो गेम प्ले चल रहा है उसमें जो हेडशॉट्स मार रहा हो, ग्लोवल्स लगा रहा हो, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी चैनल आप चेक कर लो, इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब हेडशॉट्स कैसे लगाए, ग्लोवल कैसे फास्ट करे और वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, ये नहीं कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और ज़्यादा नहीं डालूँगा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप जो मुझे देखते हो और टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो वो कम आएगा, मतलब लिमिटेड आएगा, और ज़्यादातर मेरा गेम प्लेस आएगा, क्यों, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब पूरा एकदम तो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं डाल सकता ना, इतना ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं भी है इस फ्री फायर में, जितना सारा था हेडशॉट्स लगाने की मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। और एक जो है हाउ टू पुश रैंक, इसमें मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया, और क्यों गैप डाल रहा हूँ ये भी आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही गेम प्लेस डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सके। मेरे एक यूट्यूबर का बात कर लेता हूँ, जैसे बैज 99 हो गया, बैज 99 पहले क्या करता था, पहले वो टिप्स एंड ट्रिक्स जाता मतलब डालता था कि हाउ टू पुश रैंक, कैसे वांट हेडशॉट्स लगाए, इसके ऊपर वीडियो डालता था, लेकिन वो अब नहीं डालता, क्यों नहीं डालता, क्योंकि उसके पास टॉपिक्स नहीं था, मतलब सारा कुछ उन्होंने बता दिया तो कैसे टॉपिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर उसके पास टॉपिक्स नहीं था, जिसके बाद ये मतलब बता सके, मतलब कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सके, यही वजह है बैज 99 अभी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं डालता, वो अपना गेम प्ले डालता है। मैं भी बस यही करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और ज़्यादा नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा, जब भी नया आएगा, जब भी आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो तब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं गेम प्लेस डालूंगा। और मैं बस इस वीडियो से यही कहना चाहता हूँ,
और बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, भाई मेरे ट्रेनिंग मोड पर बहुत ज़्यादा हेडशॉट्स लगते हैं लेकिन रैंक मैच में नहीं लगता, क्लैश स्क्वाड रैंक मैच में नहीं लगता, ऐसे रैंक मैच में नहीं लगता, तो कि वो क्यों नहीं लगता? मैं एक चीज़ बता दूँ, वो आपका सिर्फ मन गरंट वहम है, बस यही है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आपका क्या ट्रेनिंग मोड पर 10 लोगों को मारते हो, 10 ही क्या हेडवे जाते हैं? नहीं ना, 10 के 10 आपका हेडवे नहीं जाता है। अगर जाता है तो आप बहुत लीजेंड्स हो, बहुत महान हो, आपका अगर 10 के 10 ही लगता है आप रैंक में भी लगा सकते हो, ठीक है। और आपका अगर नहीं लगता, मैं 10 में से अगर 3-4 या फिर ऐसा ही कुछ लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बहुत मतलब प्रैक्टिस करना होगा, जैसे आपके 7 से ऊपर हेडशॉट से लगे। मतलब ट्रेनिंग मोड पर क्यों लगता है पता है, ट्रेनिंग मोड पर क्यों लगता है ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। वहाँ पर विभिन्न मतलब बहुत सारे पोजिशन में बहुत सारे बंदे रहते हैं, जो पोजीशन आपके लिए ठीक होता है उस पर आप मतलब हेडशॉट्स लगा पाते हो, जो जिस पोजीशन में आपको हेडशॉट्स लगाना नहीं आता उस पर आप हेडशॉट्स नहीं लगा पाते हो। और रैंक मैच में ऐसे ही होता है, आपका डर भी है आप माइनस ना हो जाए, ऐसा डर भी होता है। और आप इस पर भी रैंक मैच में क्या होता है, आपका डर की वजह से आप सही से जो ड्रैग का सिस्टम होता है वो नहीं कर पाते हो और आपका हेडशॉट्स नहीं लगता, रिकॉइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसमान में चला जाता है या फिर बॉडी पर स्टक हो जाता है। यही आपका प्रॉब्लम है, आप डरते हो या फिर आप मतलब माइनस हो जाए इससे डरते हो या फिर आप ठीक से नहीं कर रहे। आपको ये चीज़ बता दो, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले आपका लेवल अगर कम है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपका लेवल भी बहुत ज़्यादा है फिर भी आप नहीं लगा पाते हो, मेरे वीडियोस देखो, बहुत सारे वन टैप्स की वीडियो, ऐसे वगैरह मतलब ग्लोअल कैसे फास्ट लगा सब कुछ मैंने बता दिया, ध्यान से देखो और अपने गेम प्ले में अप्लाई करने की कोशिश करो। बस यही कहना चाहता था मैं, अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कम डालूंगा और गेम प्लेस ज़्यादा डालूंगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपना सजेशन जो है वो बिल्कुल दे देना। तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर, किस टॉपिक पर आएगा ये मुझे भी नहीं पता, गेम प्ले आएगा या फिर टिप्स एंड ट्रिक आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।